क्योंकि अभी भी घुसपैठी आ रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी भी है कश्मीर में वायलेंस का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ तो क्या वो एक डेटरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स और भी होंगे या एक पॉलिसी बन गई है कि क्रॉस बॉर्डर हम करेंगे हॉट परस्यूट हम करेंगे पहली बात है कि इन चीजों को मैं मीडिया के सामने कहना उचित नहीं मानता हूँ वो ठीक नहीं होगा मेरे लिए किस किस रणनीति से चलना कैसे चलना वो जिस स्तर पर होता है वहाँ हो रहा है होता रहा है दूसरा पैंसठ की लड़ाई हुई विभाजन हुआ उस दिन भी लड़ाई हुई तो एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा ये मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गलती होगी पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो अभी और समय लगेगा पाकिस्तान की बात हो रही है आपने जब ओथ टेकिंग के टाइम आपने नवाज शरीफ को नि्योता दिया आप खुद लाहौर चले गए शपथ लेने से पहले इमरान खान के शपथ लेने से पहले आपने उन्हें मुबारकबाद दी उस वक्त तो लोग कह रहे थे इतने उतावले क्यों हो रहे हैं मोदी जी कांग्रेचुलेट करने में क्या नोबेल प्राइज उनका गोल है क्या और आपने इतने कदम उठाए लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान संबंध बिल्कुल ही खत्म से हो गए हैं डायलॉग शुरू नहीं हुआ है तो अब जब इमरान खान आ गए हैं और उन्होंने कहा है करतारपुर कॉरिडोर के बाद जब वो खुद कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए इन पांच महीने में इलेक्शन के पहले क्या भारत पाकिस्तान डायलॉग शुरू हो सकता है नंबर वन भारत ने कभी भी चाहे यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए सरकार हो भारत की किसी भी सरकार ने भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने डायलॉग का विरोध नहीं किया है ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम बातचीत के पक्ष में हैं। हमारे देश की कंसिस्टेंट पॉलिसी है यूपीएन नहीं है ये मोदी मनमोहन सिंह नहीं है कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हमारी हम चर्चा के लिए तैयार हैं हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है ऐसा नहीं कि ये विषय होगा तो नहीं करेंगे ये विषय होगा नहीं सभी विषय पर क्योंकि भारत का ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है हमारा कहना इतना ही है कि बम बंदूक में बातचीत सुनाई दे देती है आतंकवाद बंद होना चाहिए क्रॉस टेररिज्म बंद होना चाहिए और इस पर हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं हमने दुनिया में वातावरण बनाया है आज टेररिस्टों को मदद करने वाला पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है यह हकीकत है और दूसरी बात है घटनाएं भी सीमित हुई है आज मानवता में विश्वास करने वाले कानून में विश्वास करने वाले देश की एकता अखंडता में विश्वास करने वालों का हाथ ऊपर है